चाय पीनी है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे आई थी। एक्चुअली मैं फोर्थ फ्लोर में रहती हूँ। मैं नीचे आई थी दूध लेने के लिए। कान्हा जी रात को दूध पी के सोते हैं, एकदम दूध लेने आई थी। ये देखो मैंने 10 का दूध लिया है, 10 रुपये का, गाय का दूध, प्योर गाय का दूध। मैंने यहाँ पर साइड में दुकान है वहाँ से लिया है। और मैं जिसके साथ रहती हूँ उसको अभी चाय पीना है, उसने कहा मुझे चाय पीना है। कल सुबह होगा तो कल सुबह डिमांड आएगा चाय मुझे पीना है, शाम होता है चाय मुझे पीना है। अच्छा ये बताओ 10 रुपये के दूध में मैं कितना बार चाय बनूँ? एक बार बताओ, मार्केट में चाय मिलता है एक कप को 10 रुपये। मैं 10 रुपये का दूध लें और इसको मैं 10 बार चाय पिलाऊँ। A few moments later, 10 रुपये का दूध लेके मैं उसमें 1 लीटर पानी मिला देती हूँ। क्या बोला तूने? और उसको पानी वाला चाय पिला देती हूँ हमेशा, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, शाबाश बेटा। आज लग गया जो थोड़ा ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप ही बताओ कमेंट करके कि मैं 10 रुपये का दूध के साथ और क्या क्या कर, इतने से दूध है और इसके साथ में इतना सारा कांड कर। आज मैं आलू पराठा खाने वाली हूँ, आलू पराठे के साथ चाय, पानी वाला चाय। आप सब क्या खा रहे? ये हाथ सुने हल्का ढाल। आप सब का डिनर में क्या है? कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, आप देख सकते हो ये पत्ता भी नहीं हिल रहा है, थोड़ा सा भी हवा नहीं है। मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तो हमारे उड़ीसा में ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बहुत दुख है लाइफ में, टेंशन से बाल वाइड हो गई है। मैं बता दे रही हूँ मेरे को कौन सा दुख ने इतना जलील करके रखा है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, मैं मेहनत कर रही हूँ बट मेरे मेहनत का फल नहीं मिलता है। सब कहते हैं कि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है, मुझे तो समझ नहीं आता मेरे सबर का फल कहाँ है। अरे यार, इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, कोई व्यू ही नहीं आ रहा है, दुख तो होगा ना। ठीक है, चलो फिर मैं जा रही हूँ, आलू पराठा मुझे बनानी है अभी, चाय बनानी है। ठीक है, आप सब भी इनवाइटेड हो, आ जाओ मेरे हाथ का आलू पराठा और चाय पीने के लिए। चलो हेलो आप सब, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। मैं अपने रूम पे जाती हूँ।